हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता डावरा। आज मैं आप लोगों के लिए देखिए एक ये सिंगल कलर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये इस पैटर्न की राइट साइड और ये इस पैटर्न की रॉन्ग साइड। ये आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए, बच्चों के स्वेटर पे, बेबी बॉय स्वेटर पे, न्यूबॉर्न बेबी स्वेटर पे डालें, लेडीज़ कार्डिगन पे डालें, बहुत सुंदर लगेगा। बनाना भी बहुत आसान है। अब मैं इस डिज़ाइन को बनाना बताती हूँ। बनाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो को मैक्सिमम शेयर, लाइक और कमेंट्स कीजिए। आई होप आप सब लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब मैं इस पैटर्न को बनाना बताती हूँ। ये जो पैटर्न बनेगा ये राइट साइड से शुरू होगा और 6 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये फंदे डाल लिए हैं। इसके जो फंदे डलेंगे वो 2 के मल्टीपल में डलेंगे, इवन नंबर में। तो अब हम इस पैटर्न को शुरू करते हैं। बॉर्डर के बाद जब ये पहली सिलाई आएगी तो इस तरह से आएगी। पहली सिलाई राइट साइड से, सारी सिलाई ये पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस, अब पैटर्न की दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से। ये मेरा एज वाला फंदा है, आपकी मर्जी है बनाइए या उतारिए। उसके बाद देखिए ये भी उल्टी ही बनाएंगे, इस तरह से 2 फंदों का एक, इस तरह से एक फंदा बनाया, फिर एक इस तरह से फोल्ड किया, 3, और अब हम इनको उतार देंगे। अब यहाँ से देखिए ये पहले वाला फंदा, इसको ऐसे उठाएंगे और यहाँ एक, तो यहाँ हमने 2 फंदों से 4 फंदे बना दिए। तो इन्हीं फंदों को हमें बार बार रिपीट करना है, 2 से 4 बनाने हैं। ये देखिए दोबारा से 2 फंदे, एक एक फोल्ड करा, 2, 3। अब हम इनको उतार के और इसको, ये देखिए ये पहले वाला फंदा इस तरह से उठा लेंगे और इसको बनाएंगे 4 फंदे। फिर से देखिए, 1, 2, 3, अब ये इसको उठा के 4। फिर से 1, 2, 3, और अब इसको गिरा दिया और ये उठा लिया 4, और लास्ट मेरा एज वाला फंदा। अब पैटर्न की तीसरी सिलाई राइट साइड, पहला एज वाला फंदा है। उसके बाद ये जो हमने 2 से 4 बनाए थे उसमें से पहला फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये 3 फंदे जो हैं इनको 3 से 1 बनाएंगे बैक लूप से। ये देखिए तो 4 से फिर से 2 बन गए हमारे। फिर ये 4 फंदे, 1 फंदा उल्टा और 3 फंदों से 4, एक फंदा बनाएंगे बैक से। 4 से 2 बना दिए, 1 फंदा उल्टा और इस तरह से। और लास्ट एज वाला फंदा। अब पैटर्न की हमारी 4th सिलाई उल्टी तरफ से, एज वाला फंदा, और ये पूरी सिलाई सीधी आएगी। सीधे सीधे फंदे बनाएंगे, निट ऑल द स्टिचेस,
अब ये एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे मैंने हर पैटर्न के बीच में दो सिलाइयों का गैप दिया हुआ है, एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी। अब हम इस पैटर्न के बाद एक सिलाई सीधी बनाएंगे। छठी सिलाई उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बनेगी। तो इन्हीं छह सिलाइयों को बार बार रिपीट करने पे ये एक बहुत सुंदर सा पैटर्न बनके रेडी हो जाएगा। आई होप आप सब लोगों ने मेरा ये वीडियो एंड तक देखा होगा, उसके लिए थैंक यू।